मुसलमान बोले तो रासलीला, नाजिया बोले तो कैरेक्टर ढीला। माँ का नाम दुर्गा और हिंदू को ही बोल दिया डेंगू मलेरिया। पहले माँ का नाम तो रख देता रेशमा, पहले माँ का नाम तो कुछ और रख देता, फातिमा रख देता। ये तो चले सवाल उठ जाता है कि मुस्लिम ना उठ जाए ना, मुझे मुस्लिम नहीं है ये। क्या क्या करूं अब मैं उनको विश्वास दिलाऊं, कल को कहेंगे लड़की नहीं है तो कपड़ा। अब्दुल्ला मस्जिद बनाई जा रही है राम मंदिर के बगल में, आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या खुफिया काम हो रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र डेवलपमेंट होता तो इससे पहले नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, वो अब हट गया। आपने सही कहा है, मस्जिद का तो तर्क दे रहा है ना कि नेपाल भी था। हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के 21% माइनॉरिटी से अब 1% रह गया है। यही मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हिंदू राष्ट्र ही क्यों, ये सवाल है ना, क्या हो जाएगा इससे। अरे भाई 82% कौन है, कौन है 82% इस भारत में, 82% कौन है? संविधान किसने लिखा है? मोहम्मद इफ्तकार लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? मोहम्मद राशिद लिखा है। संविधान पढ़ी हूँ इसीलिए तो कह रही हूँ कैसे बन जाए होना चाहिए। देखिए धर्म सिर्फ एक ही है और वो है सनातन, और वो है सनातन। 4,500 साल पुराना आपका ही धर्म है ना, मेरा धर्म तो 1400 साल पुराना है। आपका ही ऋग्वेद है ना, आपने ही सबसे पहले शून्य निकाला था ना ऋग्वेद से। साथ अभी कैमरे पर नाजिया इलाही खान है, इनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, हाथ में कलावा है। मैडम इस्लाम में तो ये वर्जित है। तो फिर इस्लाम में क्या ही है? डेटा मैं दे देती हूँ सारे कोर्ट का, पूरे भारत के कोर्ट का निकाल करके। सर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, तलाक देना क्या सही है? 9 साल की बच्ची से निकाह मुत्ता करके उसके कलावा बांधने से मैं ख़राब हो गई? और जो और ये जो अश्लीलता का पूरा पूरा भंडार खुला हुआ है वो सही है क्या? अजमेर शरीफ में भी ना 1992 में बहुत बहुत अश्लीलता मची थी, वो सही था? तोड़ देना चाहिए अजमेर शरीफ को। अगर बात करें तो आप लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं जबकि आप एडवोकेट हैं, लोकतांत्रिक देश में ये सब कहाँ तक सही है? संविधान बन जाएगा, संविधान पढ़ी हूँ इसीलिए तो कह रही हूँ कैसे बन जाए होना चाहिए। देखिए धर्म सिर्फ एक ही है और वो है सनातन, और वो है सनातन। 4,500 साल पुराना आपका ही धर्म है ना, मेरा धर्म तो 1400 साल पुराना है। आपका ही ऋग्वेद है ना, आपने ही सबसे पहले शून्य निकाला था ना ऋग्वेद से, आपने ही बताया था ना ज़मीन से लेकर के आकाश तक की दूरी। तो जो धर्म है उसको कैसे डिनाई किया जा सकता है? हिंदू राष्ट्र ही क्यों, आप क्या चाह रहे हैं? जैसे चल रहा सही नहीं से बने, आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं अजमल कसब दोबारा आए? आप क्या चाह रहे हैं कि जो एक खुफिया साजिश रची जा रही है बाबरी मस्जिद के बगल में 25 किलोमीटर की दूरी में, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनाई जा रही है राम मंदिर के बगल में, आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या खुफिया काम हो रहा है? अगर हिंदू राष्ट्र डेवलपमेंट होता तो इससे पहले नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, वो अब हट गया। आपने सही कहा है, मस्जिद का तो तर्क दे रहा है ना कि नेपाल भी था। हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के 21% माइनॉरिटी से अब 1% रह गया है। यही मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। मुसलमान बोले तो रासलीला, नाजिया बोले तो कैरेक्टर ढीला। ये तो सवाल उठ जाता है कि मुस्लिम ना उठ जाए ना, मुझे मुस्लिम नहीं है ये। क्या क्या करूं अब मैं उनको विश्वास दिलाऊं, कल को कहेंगे लड़की नहीं है तो कपड़ा। ये सब मैं नहीं मानती हूँ। मौलाना जी का बयान है, अरशद मदनी जो है वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का जो मांग कर रहे हैं, चाहे वो बागेश्वर वाले बाबा हो या जो लोग, वो देशद्रोही। अगर हिंदू राष्ट्र का मांग करना सही है फिर इस्लामिक राष्ट्र भी बनाया जाए। किसको? भारत को। कैसे? 14% से ना 82% ज़्यादा होता है ना 14% ज़्यादा होता है, कौन सा परसेंट ज़्यादा होता है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान इस्लामिक देश है क्योंकि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है। और ज़रा पाकिस्तान जाकर देखें ना, यहाँ तो मस्जिदें शान से खड़ी रहती हैं। मैं क्यों आग लगाऊंगी? हिंदू राष्ट्र का मांग जरूरी है। तो आप हिंदू नहीं है क्या? हम है, लेकिन स्टेलिन की तरह शर्म आ रहा है क्या खुद को हिंदू बोलने में? नहीं, शर्म तो नहीं आ रहा है क्या? लेकिन ये का स्टालिन साहब की माँ का नाम दुर्गा और हिंदू को ही बोल दिया डेंगू मलेरिया। पहले माँ का नाम तो रख देता रेशमा, पहले माँ का नाम तो कुछ और रख देता, फातिमा रख देता। हिंदू राष्ट्र ही क्यों, ये सवाल है ना, क्या हो जाएगा इससे। अरे भाई 82% कौन है, कौन है 82%?
इस भारत में 82% कौन है? संविधान किसने लिखा है? मोहम्मद इफ्तकार लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? मोहम्मद राशिद लिखा है। अजीब बात है आपका। कांग्रेस का जो गठबंधन बना है उसके विपक्ष के नेता लगातार सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह दे रहे हैं। मैंने तो अभी बोला कि माँ का नाम दुर्गा है, पहले फातिमा रख ले स्टालिन, पहले फातिमा रखे तब सनातन धर्म को डिफेम करे, और उसके लिए हम लोग हैं और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायपालिका है। मैंने बहुत सारी अर्जियाँ लगा रखी हैं। इस देश में जितनी समस्याएं हिंदू राज से सब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपने किया लव जिहाद, मुसलमान लड़की को आपने हिंदू बनाया है। परसेंट दिखाइए तो, परसेंट दिखाइए।